बस तेरे बाबूजी का काम ऐसे ही चलता रहे तो इसी साल ना तेरे हाथ पीले कर देंगे हम और तुझे विदा कर देंगे। तभी ये मधु सुनकर वहां से चली जाती है। लगता है प्यारी शादी के नाम से शर्मा आ गई। मैं माँ को कैसे बताऊं कि मैं किशन से कितना प्यार करती हूँ। अगर माँ बाबूजी को ये पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। बेचारी मधु अपने पिता दुर्जन से बहुत डरती थी क्योंकि दुर्जन थोड़ा जालिम किस्म का इंसान था, लेकिन वो अपनी बेटी से प्यार तो करता था, मगर दुर्जन के खिलाफ जाकर कोई भी कुछ काम कर ले उसे ये बर्दाश्त नहीं था। ऐसे ही मधु अपनी सहेली के घर उससे मिलने चली जाती है। अरे भाग्यवान, सच में आज बहुत थक गया हूँ। आपका काम तो बहुत ही मेहनत वाला है तो थकान तो हो ही जाएगा। अच्छा रुको, मैं आपके लिए ना पानी ले आती हूँ। अरे मधु कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? अरे हाँ, वो दोपहर में ना अपनी सहेली से मिलने गई थी, अभी तक तो आई नहीं। हो सकता है रास्ते में होगी, आ ही रही होगी। तभी दुर्जन गुस्से में पानी का गिलास फेंक कर कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसे ऐसे शाम में बाहर मत जाने दिया करो। अरे वो लड़की है, तुम्हारी अकल में ये बात क्यों नहीं घुसती? अरे आ जाएगी, आप भी ना खामखा गुस्सा कर रहे हो उस पे। तभी मधु घर आ जाती है, उसे देख दुर्जन उसे गुस्से में डांटने लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे एक दिन विमला की पड़ोसन उसके घर आती है, तभी मधु को उल्टी हो जाती है। उसे उल्टी करता देख वो विमला से कहती है, विमला बहन बुरा मत मानियो, मुझे लगता है तेरी बेटी पेट से है। ये तो मेरी बेटी के बारे में कैसे बात कर रही है? तुझे भले ही इन सब का अंदाजा ना हो, लेकिन मैं एक दाई हूँ, लड़की को देखकर बता सकती हूँ कि वो पेट से है या नहीं। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और विमला गुस्से से मधु से सारी सच्चाई पूछ लेती है। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है तू? पूरे गांव के सामने हमारी इज्जत उछाल के चली गई। अरे अब तो हम पूरे गांव के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। दोनों की सारी बातें दुर्जन सुन लेता है और तभी, मैं तुम्हें कहता था ये लड़की जात है, इसे घर में ही रखो, लेकिन नहीं, अब देख लिया ना क्या किया तुम्हारी बेटी ने, अब हमें जल्द से जल्द इसके हाथ पीले करने पड़ेंगे। दुर्जन अपनी इज्जत बचाने के लिए किशन को डरा धमका के उन दोनों की शादी करा देता है। तेरे बाप के कारण मुझे तुझसे शादी करनी पड़ी, वरना मैं तुझसे शादी कभी नहीं करता। मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं? और नहीं तो क्या, तुझसे प्यार थोड़ी करता हूँ मैं। मधु ये सब सुनकर बहुत रोती है और ऐसे ही किशन उस पर रोज अत्याचार करने लगता है। एक दिन मधु एक बच्ची को जन्म देती है। कुछ महीनों बाद मधु और उसकी बेटी अचानक गांव से गायब हो जाती हैं। मधु के परिवार वाले उसे ढूंढते हैं, लेकिन इसका कोई पता नहीं मिलता और पुलिस की पूछताछ के बाद मधु के परिवार वालों के बयान के आधार पर किशन को जेल हो जाती है। आखिर ये सिटी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? आधी रात को बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं? चलिए यहाँ के गार्ड से पूछते हैं। अरे भाई साहब, अरे सुनिए, अरे मर गए क्या? अरे उठिए ना। क्या हुआ, बारिश हो रही है क्या? अरे बारिश नहीं हो रही, अरे मैं पूछ रहा हूँ बच्चे गायब हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, और क्या करूँगा? देखा, यहाँ के गार्ड सो रहे हैं तभी यहाँ बच्चे चोरी हो रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती सोते हुए? आयला, मैं शर्म क्यों करूँ, मुझे नींद आ गई, सो गया। तो देखा आप लोगों ने, इसको नींद आ गई तो ये सो गया। अरे गार्ड की नौकरी कौन करेगा? पागल है क्या? अरे मैं पागल नहीं, तुम पागल हो, अपना काम सही से नहीं कर रहे तुम। अरे मैं यहाँ काम क्यों करूँगा? तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी गलती इस गार्ड की है, ये सो रहा है तभी ये कांड हो रहा है। ये चुपके, बहुत मारूंगा तुझे, मैं यहाँ काम नहीं करता, मैं तो बगल वाले एटीएम में काम करता हूँ। यहाँ कोई एडमिट था तो आया था मिलने और थक के सो गया। तुम यहाँ काम नहीं करते? नहीं करता। सच में नहीं करते? नहीं करता। अरे तो हमारा समय क्यों खराब किया, चल भाग यहाँ से। अरे बड़ा पागल आदमी है। अरे यार, ये बस आज इतना लेट कैसे हो गई है? अंधेरा भी होने वाला है, अब मैं क्या करूँ, कब घर पहुँचूंगी यार? रिया बस को आते हुए देखती है और बस के रुकने पर उसमें बैठ जाती है। शुक्र है भगवान का, मुझे ये बस मिल गई, वरना आज मैं घर कैसे ही पहुँचती। लेकिन रिया की नजर अभी भी उसकी घड़ी पर होती है।
बार बार घड़ी देखने से तुम्हारा घर जल्दी नहीं आ जाएगा। जी 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 हाँ, लेकिन वो बहुत रात हो गई है ना, इसलिए बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। लगता है तुम्हारे माँ बाबा बहुत कठोर हैं, तभी तुम इतना डर रही हो ताकि घर जाकर तुम्हें डांटना पड़े। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस शहर में अकेली ही रहती हूँ। मैं भी अकेली हूँ, मेरा भी इस शहर में कोई नहीं है। ओह अच्छा। ऐसे ही बस स्टैंड आता है और बस रुक जाती है। तभी रिया बस से उतरकर भागते हुए अपने घर चली जाती है और खाना खाकर जल्दी से सो जाती है। इत्तेफाक से अगले दिन भी ऑफिस से आते वक्त रिया को वही औरत दोबारा मिल जाती है। दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। अब तो वो औरत और रिया रोज ही मिल जाया करती थी। बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है, मैं जब भी ऑफिस से निकलूं तुम मुझे रोज ही मिल जाती हो बस में। सही कहा तुमने, शायद ऊपर वाला हमें बार बार मिलवाना चाहता है। मधु और रिया कुछ ही दिनों में काफी अच्छी दोस्त बन गई। दोनों अच्छी दोस्त तो बनी, और एक दिन रिया मधु से कहती है, हम दोनों एक ही जैसे हैं, दुनिया में ना तुम्हारा कोई है और ना ही मेरा, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ ही रहें। रिया का भी इस शहर में कोई नहीं था, वो खुशी खुशी मधु के साथ रहने के लिए मान जाती है। अब दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही रोज दोनों अपने काम के लिए निकल जाती हैं और रात में ही मिलती हैं। एक दिन मधु ऑफिस के लिए निकल रही थी कि उसके बैग में से खिलौना नीचे गिर जाता है। इसके बैग में आके खिलौना क्या कर रहा था? ये तो बोल रही थी इसका दुनिया में कोई भी नहीं है, और खिलौना गिरते ही एकदम से घबराने लगी और भाग भी गई। कुछ तो बात है, मुझे इस पे नजर रखनी पड़ेगी। इतना कहकर रिया ऑफिस चली जाती है, और जब वो घर पर आती है तो सोचती है कि मधु से उस खिलौने के बारे में कैसे पूछे, लेकिन वो रुक जाती है। वो आधी रात को चुपके से मधु के कमरे की तलाशी लेने जाती है। जब वो देखती है कि कमरे में मधु नहीं है तो उसका शक और भी बढ़ जाता है। आखिर ये चक्कर क्या है, बैग में खिलौना, अब आधी रात को गायब होना, इस पे मुझे अब नजर रखनी ही पड़ेगी। रिया अब पूरी नजर मधु पर रखने लगती है। मधु रोज रात को चुपके से बाहर जाती। ऐसी एक रात रिया भी मधु के पीछे पीछे चल पड़ती। पीछा करते वक्त वो एक हॉस्पिटल तक पहुंचती है, जो देखकर वो सोच में पड़ जाती है। आखिर रोज रात में ये सिटी हॉस्पिटल में क्या करने आती है? इसने तो कहा था इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, फिर ये यहाँ किससे मिलने आई है? हे भगवान, मुझे तो लगता है मैं इसके चक्कर में पागल ही हो जाऊंगी। अब तो मुझे कैसे भी इसकी सच्चाई पता लगाना ही पड़ेगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो ऑफिस न जाकर सीधा हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ वो रिसेप्शन पर जाकर मधु के बारे में पूछती है। मैडम, यहाँ कोई बाहर से आता है तो हम उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, और मधु नाम की कोई औरत यहाँ पर अभी तक तो आई नहीं है, और यहाँ पर कोई पेशेंट भी नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में इस नाम का तो कोई भी मरीज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने रोज रात को इसे अंदर आते हुए देखा है। रिया परेशान होकर घर वापस आती है। थोड़ी देर बाद मधु भी घर आ जाती है। दोनों साथ में बैठे टीवी देख रहे थे। आखिर क्या हो रहा है हमारे सिटी में, रोजाना आए दिन हॉस्पिटल से बच्चे गायब हो रहे हैं। पता नहीं इन बच्चों को कौन गायब कर रहा है, तो आखिर कौन है इस कांड के पीछे। खैर जो भी हो, हम आपको सूचित करते रहेंगे, और जुड़े रहे आप हमारे चैनल के साथ, और देखते रहे हमारा चैनल ABCD न्यूज। ये सुनते रिया मधु की तरफ देखती है। मधु के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मधु टीवी के रिमोट को टेबल पर पटक कर वहाँ से अपने कमरे में भाग जाती है। रिया को समझ आ जाता है कि मधु का उस हॉस्पिटल से क्या ताल्लुक है। रिया इस बार उसका पीछा ना करके उसके बैग की तलाशी लेती है, जिसमें से कुछ छोटे बच्चों के कपड़े मिलते हैं और एक बंद लॉकेट। उस बंद लॉकेट को जब वो खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये बच्चा तो मेरी सहेली सुमन का है, लेकिन इसकी फोटो में ये बच्चा क्या कर रहा है, मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी रिया सुमन के घर जाती है। इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है, इतनी घबराई हुई क्यों है, क्या हुआ? देख सुमन, सच बता, क्या पिंकी तेरी ही बेटी है ना? ये तू क्या बकवास कर रही है रिया, पिंकी मेरी बेटी है। देख सुमन, तू मुझसे झूठ मत बोल, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया है। सच सच बता दे, पिंकी किसकी बेटी है? क्या मतलब है तेरा, पिंकी मेरी बेटी है, ये सब जानते हैं। दोनों आपस में बहस ही कर रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ मधु कमरे में आकर देखते हैं कि उसके बैग का सारा सामान फैला हुआ है, और बैग से वो लॉकेट भी गायब है। तब वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है। वहीं रिया सुमन से सच उगलवा लेती है। हाँ, ये बच्चे को मैंने खरीदा है, लेकिन ये अब मेरी जान बन चुकी है,
और मैं क्या ही करती उस समय। उस समय मैं मजबूर थी। मेरे सास ससुर ने मुझे कह दिया था कि अगर उन्हें वारिस नहीं दिया तो मुझे घर से निकाल देंगे, इसलिए मैंने 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक किया और बाद में मैंने एक आदमी को पैसे देकर बच्चा चोरी करवा लिया हॉस्पिटल से। वाह सुमन वाह, तूने अपनी खुशी के लिए किसी का बच्चा खरीद लिया। तुझे पता है इसकी माँ हर रोज आधी रात में अपने बच्चे को ढूंढने हॉस्पिटल जाती है इस उम्मीद में कि शायद उसका बच्चा उसे मिल जाएगा। तुम कैसे जानती हो इसकी माँ को? क्योंकि वो मेरे घर में रहती है। मैं तो उसे गलत समझ रही थी, लेकिन यहाँ गलत तू है। रिया विस्तार से सुमन को सारी बात बताती है। अब तुझे दो काम करने होंगे। कौन से दो काम? एक तो ये कि जिस आदमी ने ये बच्चा चुराया था तू उसे जानती है, तू उसे पुलिस से पकड़वा, और दूसरा पिंकी को उसकी माँ को सौंप दे। नहीं, मैं कैसे रहूंगी इसके बिना? मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। सुमन, इसकी माँ भी इसके लिए रोज मर रही होगी, क्या तू अपने सर पे ये पाप लेकर जीना चाहती है? सुमन अपने दिल पर पत्थर रखकर पिंकी को रिया के घर ले जाती है। रिया दरवाजा खोलती है तो सामने मधु बैठी थी। मधु, मैं तुमसे किसी को मिलवाने लेकर आई हूँ। तभी रिया सुमन को अंदर बुलाती है और सुमन को उसकी गोद में अपना बच्चा देख मधु रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारे बच्चे को हॉस्पिटल से चोरी करवाया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये लो अपना बच्चा। रिया मेरी बहन, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, आज मेरे सामने मेरी बहन और मेरी बेटी दोनों है, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें अपने गले नहीं लगा सकती। ये सब तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मधु रिया को बताती है कि वो दोनों सगी बहनें हैं और उनका बार बार इस तरह से मिलना कोई इत्तफाक नहीं था। अच्छा, मैं अब समझ गई हूँ, तभी तुम मुझे जानबूझ के हर बार बस स्टैंड पे मिला करती थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें याद है वो हमारे बचपन के दिन जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे थे? रिया मधु की बात सुनकर दिमाग पर जोर डालती है, तभी उसे वो बचपन वाला सीन याद आता है। हाँ दीदी, बाऊजी ने मुझे यहाँ मामा के साथ भेज दिया था और कभी मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। हाँ बहन, बाऊजी ने दूर के मामा को तुझे गोद दे दिया था, क्योंकि दो बेटी होने की वजह से माँ को और दादी को ताने सुनने पड़ते थे। दोनों बहनें बहुत रोती है और मधु उसे शुरू से सारी बात बताती है कि किस तरह उसके बाऊजी ने उसके साथ क्या क्या किया था। बाऊजी, आप यहाँ और ये इतने सारे लोग आपके साथ? अरे उस दिन तो मैंने अपनी इज्जत के खातिर तेरे उस निकम्मे आवारा किशन से शादी करा दी थी, लेकिन इस दिन का मुझे कब से इंतजार था, बस कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुझसे ले सकूं। तू मेरी बेटी नहीं, कलंक है कलंक। तभी दुर्जन के आदमी उस पर चाकू से हमला करते हैं और वो बेचारे तड़पते हुए मर जाती है। दुर्जन के कहने पर गुंडे मधु को नदी में फेंक आते हैं और उसके बच्चे को शहर में किसी के हाथों मोटी रकम में बेच देते हैं। मैं अपनी बेटी से मिल चुकी हूँ और तू इसका बहुत ध्यान रखियो और इसे हमेशा अपने पास ही रखियो मेरी बहन, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कहकर मधु धुआं बनकर आसमान में समा जाती है और रिया पिंकी को अपनी गोद में लेकर बहुत रोती है। ऐसे ही दिनों पिंकी और सुमन के साथ अपने गांव अपनी माँ से मिलने जाती है। उसे देखकर विमला भावुक होकर उसे गले लगाती है और रिया रोते हुए उसे सारी बात बता देती है। तू कितनी बड़ी हो गई बेटा, तुझे इतने समय बाद देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे सुन के ना बहुत गुस्सा आ रहा है कि तेरे बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपनी ही बेटी को मरवा दिया। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और अब हम दोनों मिलके ना उसे इंसाफ दिलवाएंगे। आखिर एक पिता ऐसे कैसे कर सकता है अपनी बेटी के साथ, उन्होंने अपनी ही बेटी की हत्या कैसे कर दी। विमला खुद को नहीं रोक पाती, वो थाने में जाकर पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। वहीं पुलिस वाले कातिलों का पता लगा कर उनसे सच निकलवा लेते हैं और ऐसे ही पुलिस दुर्जन को उसका जुर्म बताकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर जाओगे, मुझे आपसे घिन आ रही है। अरे घटिया इंसान, तूने अपने बच्ची को ही मार डाला, कैसा बाप है तू। अगर रिया नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तूने मेरी बेटी के साथ क्या करा है। अरे मेरा बस चलता तो मैं उसे उसी दिन मार देता, बस मुझे तो एक मौके की तलाश थी कि कैसे उसे मार के उसकी बेटी की परछाई को भी इस गांव से निकाल कर बाहर फेंक दूं।
छी, तुम इतना गिर सकते हो? साहब ले जाइए इसे, ये मेरा पति नहीं है। अरे ये तो एक राक्षस है जो अपनी बेटी को खा गया। ले जाइए साहब, ले जाइए, अब मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। पुलिस दुर्जन को जेल ले जाती है और किशन रिहा हो जाता है। ऐसे में उसकी माँ अपनी बेटी रिया और पिंकी के साथ खुशी खुशी रहती है और दुर्जन को उसके कर्मों की सजा मिल जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।